गर्मा गर्म ये गर्मा गर्म एकदम एकदम ताज़ा। राम राम सर सभी को, खम्बा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं थाना गाजी में हूँ और आपको खिलाते हैं यहाँ का ऐसा कलाकंद जिसको आप कहोगे एक बार खा लोगे ना तो बार बार आओगे। ये है वो बालाजी मिष्ठान भंडार जो कि बालाजी भगवान ने दर्शन दिए और तब से इनका नाम बालाजी है। और ये जो जगह है ये थाना गाजी का तहसील है, सामने उसके जस्ट सामने दुकान है। भैया राम राम। हाँ नमस्कार जी। भैया कितने साल हो गए अपने बालाजी मिष्ठान भंडार को? तो लगभग 75 साल पुराना है। तो किसने शुरुआत करी थी? ये हमारे पिताजी ने करी थी, उसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब थे बाबूलाल जी शर्मा, उन्होंने इसको संभाला। बाबूलाल जी शर्मा एक्सपायर हो गए, हमारे बड़े बड़े भाई साहब थे। अच्छा। और हमारे और भी भाई साहब थे जो बाद में सरकारी सर्विस में चले गए, प्रकाश चंद जी शर्मा, राम अवतार जी, अशोक जी, सभी ने इसको संभाला। अच्छा। फिर जैसे वो सरकारी नौकरी में चले गए। अच्छा। फिर हम जैसे छोटे थे। अच्छा। हम बड़े हो गए तो फिर हम लोगों ने इसको संभाल लिया। तो पिताजी का क्या नाम था? श्री लल्लू राम शर्मा। तो ये बालाजी किसके नाम पे रखा दुकान का? हाँ बालाजी क्या है कि हमारा जो कुल देवता है। अच्छा। वो बालाजी है, हनुमान जी। नहीं मेहंदीपुर बालाजी नहीं, हम क्या है एक्चुअली मूल रूप से अपने दोसा लालसोट के पास में नवरंगपुरा है। अच्छा। तो वहाँ के रहने वाले हैं, कई पीढ़ियों पहले हम लोग यहाँ आ गए थे, 5-6 पीढ़ियों पहले। तो वहाँ पे बालाजी का मंदिर है और वही मंदिर हमारे दादाजी और ये आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने जब बताया, उनको सपने में बालाजी ने दर्शन दिए कि तू मेरे को छोड़ के यहाँ पे आ गया, मेरी सेवा कौन करेगा? तो बोले कि मैं यहाँ पे ही आपको आपकी आज्ञा हो तो स्थापित करता हूँ। तो हमारा जो घर है वहाँ पर बालाजी का एक जो आलिया है उसमें बालाजी को स्थापित किया गया और उसी के नाम पे फिर बालाजी मिष्ठान मंडा रखा। तो आपके यहाँ पे क्या फेमस है? कलाकंद फेमस है हमारा, कलाकंद और बर्फी। तो मतलब क्या है ऐसा कलाकंद में, पूरी दुनिया कलाकंद बनाती है? बिल्कुल। आपके कलाकंद में ऐसा क्या अलग से कुछ ऐसा है या फिर बनाने की कला है बस? नहीं हमारा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो कलाकंद मिलेगा एकदम ताज़ा और शुद्ध मिलेगा। अच्छा। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अच्छा। आजकल जैसे हम लोग देखते हैं चारों तरफ ये है कि हाँ कहीं पे लोग कुछ मिला रहे हैं, कहीं पे कुछ मिला रहे हैं, हमारे प्योर दूध से बनता है, भैंस का दूध आता है उससे बनता है। अच्छा। और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, एकदम शुद्ध और ताज़ा मिलता है। डेली हमारे जितना बनता है डेली शाम तक वो निकल जाए। तो कितना लगभग कितना कलाकंद बना लेते होंगे आप? नहीं जितना बनता है, मतलब एक्चुअली जितना दूध आता है हमारा वो सारा निकल जाता है। तो एक तरह का ही कलाकंद बेचते हैं आप? हाँ कलाकंद यही है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या भाव दिया है अभी ये? अभी ये 400 रुपये किलो चल रहा है सर। तो भाई इनका कलाकंद ऐसा कि लोग मतलब एक बार खा लेते हैं तो बार बार आते हैं ऐसा है? हाँ मतलब अच्छा। जिसने एक बार टेस्ट कर लिया वो दोबारा ज़रूर आएगा। तो ये बालाजी की कृपा है मतलब? बस उन्हीं का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद। देखिए भाई दाने दाने अलग से दिख रहा है, तो चलिए खा के देखते हैं इनको। भाई ये कलाकंद है ना गले में नहीं अटक रहा, इस तरीके से मतलब बनाया गया है, मतलब वाकई में प्योर तो है और स्वाद की तो बस आप खाओगे तभी पता चलेगा। अच्छा तो 1 किलो कलाकंद में मावे में कितना शुगर मिलाते हैं? मतलब हमारे 250 ग्राम शुगर डलता है इसमें। अच्छा। एक मीठा कम रहता है एकदम। तो भाई कलाकंद मुझे इतना पसंद आया कि मैं तो अपने घर के लिए लेके जाऊंगा डेफिनेटली। ये मेरे बड़े भाई हैं जगदीश शर्मा। अच्छा। इनसे छोटे वाले हैं राजेश शर्मा और मैं सब छोटा हूँ जितेंद्र शर्मा। अच्छा तीन जने संभालते हो? हाँ तीन भाई है, एक हमारे बड़े भाई साहब के लड़के हैं, तो पहले तेज कुमार शर्मा वो भी संभालते थे, फिर वो मेडिकल की दुकान दो अलग कर ली हो, एक तो रिटेल की और एक वो, तो वहाँ पे भी बैठने लगे, बाकी त्यौहार पे और कोई भी ओकेजन होता है तो वो संभालते हैं इसको। तो ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को, थाना गाजी की दुनिया तो इनको जानती है, जिन्होंने लिया है वो भी जानते हैं और भी लोग जानेंगे खाएंगे तो आनंद प्राप्त होगा आपको। तो राम राम से सभी। और भाई ये इनकी बर्फी है, इतने सालों की विश्वसनीयता है हमारी कि हमारे जो हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हमारे बाप दादाओं ने जो शुरू किया तो ईमानदारी से जब तक जिएंगे तब तक ईमानदारी से काम करेंगे, किसी तरह की कोई मिलावट हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पे भाऊजी चाय भी बनाते हैं इसी मिष्ठान भंडार में। पानी पानी